हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जो बीकॉम के बच्चे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी बहुत सारे प्लेलिस्ट बन चुकी हैं, बीसीओसी 131 से लेकर के 138 और बीसीओएलए 138 और बीसीओएस 183 184 की बहुत सारी प्लेलिस्ट, मतलब इन सारे के सारे नामों पे ऑलरेडी बन चुकी हैं। वीडियोस वहां पे अपलोड होनी स्टार्ट हो गई हैं। जो भी बच्चे बीकॉम के नए सेशन में एडमिशन, जिन लोगों ने लिया, जिनका कोर्स बिल्कुल ही नया है, उनको मैं बताना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पे आइए। हमारे चैनल पे आकर के प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी, वहां पे वीडियोस मिलेंगी, उन सारे वीडियोस को वॉच कीजिए, आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक, जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा, आज हम करने वाले हैं बीसीओएस 184 जो की है ई कॉमर्स से रिलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको इस टॉपिक को समझ में आ जाए। तो जो क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे वो होने वाला है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि किस तरीके से ई कॉमर्स का इवोल्यूशन हुआ है, किस तरीके से ई कॉमर्स जो है धीरे धीरे बड़ा बना है। ठीक है ना, तो ये हमारा आज का लेक्चर होने वाला है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ई कॉमर्स क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानकारी हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, है ना, ये हमारा पहला चैप्टर होने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसी में हमारा एक क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स क्या होता है, क्या है ई कॉमर्स और ई कॉमर्स का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, ये हमारा यूनिट वन है, ये हम अभी करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। राइट, सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स, ये कर लेने के बाद हम करेंगे कि जो इवोल्यूशन है वो किस तरीके से हुआ है। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले मीनिंग पे आ गए हम लोग, पहले मीनिंग को समझ लेते हैं कि ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है। सो एज इज ऑब्वियस द टर्म ई कॉमर्स इज एन एब्रिविएटेड टर्म ऑफ फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, है ना। तो ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई जो आपको दिख रहा है, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स का मतलब आपको पता है, कॉमर्स में हम ट्रेड करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो जब हम उन सारी चीजों को, उन सारी एक्टिविटीज को हम ऑनलाइन करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली करने लगेंगे, तो हम उसे कहेंगे ई कॉमर्स। ये मैंने हिंदी भाषा में आपको समझा दिया है, बाकी मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ जैसे जैसे बुक में लिखा हुआ है। Which refers to the process of undertaking business transactions over internet. मतलब जो भी आपके business के transactions हैं, उन सब को अगर आप internet पे करोगे, तो हम उसे कहेंगे e-commerce, है ना, electronic commerce. Almost anything. इस line को जरा सा ध्यान दो. Which refers to the process of undertaking business transactions over internet. इसे ही हम कहेंगे e-commerce. ठीक है ना? Almost anything ranging from basic items such as breads or soaps to high expensive products such as computers or cars and even highly specialized services such as sale of second hand products to purchase of property are all available on the related e-commerce web portals, है ना। तो अभी के टाइम पे 2022 में हम बैठे हुए हैं, आपको पता है कि तकरीबन हर एक चीज आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, शायद ऐसी कोई चीज है जो कि आप ऑनलाइन नहीं खरीद सकते, हाथियों को छोड़ करके, मतलब जानवरों को छोड़ करके ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप नहीं खरीद सकते अभी के टाइम पे। अभी तो लैंड वैंड जो भी है, सारी की सारी चीजें आपको ऑलरेडी लिस्टेड मिल जाती हैं, आप देख लेते हो कौन सा पसंद करना है, नहीं करना है, जो भी पसंद आता है आप उसको खरीद सकते हो। सो एंड टू एंड जो है एक तरीके से हमारे पास अवेलेबिलिटी है कि हम जो है किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो, चाहे वो बेसिक हो या फिर किसी भी तरह का एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हो, है ना, हाईली स्पेशलाइज्ड कोई सर्विसेज हो, है ना, सेकेंड हैंड कोई प्रोडक्ट हो जो आप खरीदना चाहते हो, कोई प्रॉपर्टी हो, वो सारी की सारी चीजें आज के टाइम पे ई कॉमर्स वेब पोर्टल्स पे अवेलेबल है। Depending upon the products and services available, e-commerce web portals could be understood to be generic and specific, है ना? तो जैसा वेबसाइट होगा, वेबसाइट को देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि क्या वो जेनरिक है या फिर स्पेसिफिक है। जेनरिक मतलब जहां पे बहुत सारी चीजें बिक रही हैं और स्पेसिफिक मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज ही बिक रही है। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो लिखा हुआ है, एग्जांपल्स ऑफ जेनरिक ई कॉमर्स पोर्टल्स आर फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट में यहाँ पे सी नहीं होगा, के होगा, फ्लिपकार्ट, एमेजन, वेयर वन कुड बाय एनी प्रोडक्ट रेंजिंग फ्रॉम फर्नीचर टू फ्लावर्स। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि जेनेरिक का मतलब हो गया कि आप हर एक चीज वहां पे आपको मिल जाएगी, हर एक चीज वहां पे बिक रही है, उसे हम कहेंगे जेनेरिक। और स्पेसिफिक मतलब जहां पे कोई पर्टिकुलर चीज बिक रहा हो, है ना। ऑन द अदर हैंड, बिग बास्केट कुड बी टर्म एज ए स्पेसिफिक ई कॉमर्स वेब पोर्टल एज द कस्टमर कैन ओनली ऑर्डर फॉर ओनली ग्रोसरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऑन दिस वेब पोर्टल। अब बिग बास्केट में आप सिर्फ ग्रोसरी से रिलेटेड प्रोडक्ट ही आप खरीद पाओगे, है ना। तो ये स्पेसिफिक वेब पोर्टल हो गया, स्पेसिफिक ई कॉमर्स हो गया, है ना। और जहां पे बहुत सारी चीजें बिक रही हैं उसको हम कहेंगे जेनेरिक, जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न, है ना। लास्ट पैराग्राफ, एज वी हैव अंडरस्टूड अर्लियर, ई कॉमर्स एनेबल्स बायर
to undertake all steps of purchase decision with the support of various features provided by an e-commerce software, है ना। तो हर एक तरह की जो जो यू नो एक तरीके से आसानी है वो जो है ई कॉमर्स वेबसाइट्स के द्वारा सॉफ्टवेयर्स के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती है कि आप हर एक तरह का परचेज जो है ऑनलाइन कर सको। मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस स्टेप्स आर अंडरटेकन इलेक्ट्रॉनिकली एंड नॉट फिजिकली, है ना। तो अभी के टाइम पे जो भी बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है वो सारी की सारी अभी इलेक्ट्रॉनिकल हो गई है, कुछ भी जो है फिजिकल नहीं है। नो पेपर वर्क इज रिक्वायर्ड, जिसमें पेपर वर्क का आपको जरा भी जरूरत नहीं पड़ता, सब कुछ आपके ऑनलाइन अपने फोन में आपके कंप्यूटर में जो है सेव्ड हो जाता है ना। नॉर इज एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट नेसेसरी, किसी भी तरह का फिजिकल कॉन्टैक्ट का भी जरूरत नहीं है। आपने ऑनलाइन ऑनलाइन ऑर्डर करा, आपको घर पहुंचा के देखेगी चला गया, आपको ना ही किसी से बात करने की जरूरत है ना ही कुछ, आप बस ऑनलाइन ऑर्डर करो, पैसे पेमेंट करो और सामान जो है आपके घर पे पहुंच जाएगा। Such revolutionary characteristics of e-commerce have made it extremely popular, particularly in present pandemic times. ठीक है, pandemic time है, आपको पता है कि जब से pandemic start हुआ है तब से सारी चीजें जो कि online थी तो लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है। कोई भी काम करना, कुछ भी करना है, कपड़ा मंगवाना है online order कर लो, food मंगवाना है online order कर लो, है ना, कुछ भी मंगवाना आप online order कर सकते हो। तो pandemic के time पे ये जो फायदा है e-commerce का, ये बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, लोगों को इस चीज का जो महत्व है वो लोगों को समझ में आया है। ठीक है ना, तो ये तो बात हो गई कि मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स हम किसे कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ई कॉमर्स का जो है इवोल्यूशन हुआ है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है ना। यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसको मैं कभी और डिस्कस कराऊंगा। इसके साथ मुझे अभी जो सही लग रहा है टॉपिक करवाना वो है इवोल्यूशन ऑफ कॉमर्स, है ना। ई कॉमर्स क्या होता है और कैसे ये स्टार्ट हुआ, तो चलिए देखते हैं। इट वॉज इन द ईयर 1991 दैट द ईज ऑफ यूज ऑफ इंटरनेट वॉज एस्टैब्लिश्ड by design of the world wide web in the by design of the world wide web. तो 1991 में world wide web को पहली बार जो है launch करा गया, world wide web जो है 1991 में start हुआ। In the year 1994, Pizza Hut was the first company to offer its pizza online on its own site, है ना। आपको से देख के समझ में आ रहा होगा ये सुनकर के कि 1994 में पहली बार Pizza Hut जो company है उसने online order देना start किया था अमेरिका में, है ना। यूएस की बात की जा रही है कि यूएस में सबसे पहले ये जो है ऑनलाइन आप जा करके ऑर्डर कर सकते थे और ऑनलाइन जो है आपको पिज्जा डिलीवर किया जाता था बाय द पिज्जा हट। यहाँ पे देखो फिगर 1.2 के बारे में बात की जा रही है जो कि नीचे की तरफ है, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एक एक करके कौन कौन सी चीजें जो है यू नो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताऊंगा किस तरीके से चीजें जो हुई है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। नाउ एंड ऑलमोस्ट आफ्टर गैप ऑफ अ ईयर ईबे वाज फाउंड। ईबे आपको पता नहीं है, ईबे जो है दुनिया का सबसे बड़ा यू नो वेबसाइट हुआ करता था, अभी के टाइम पे तो अमेज़न हो गया है, बट इट वाज लाइक जाइगेंटिक एट दैट टाइम, है ना। ईबे जो है पहला ऐसा वेबसाइट था जिसको यू नो लॉन्च किया गया था या फिर एक तरीके से उसका निर्माण हुआ था। सबसे बड़ी चीज जो है ईबे पे हुई थी। इनिशियली इट वाज कंसीडर्ड ओनली एज अ प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स व्हेन अ ट्रांजैक्शन वाज अंडरटेकन। इनिशियली जब ईबे स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे उसको जस्ट एक ऑनलाइन सबमिशन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के रूप में यू नो उसको जो है लोग उसको समझ रहे थे, लेकिन आगे आगे जा करके उसका जो है इस्तेमाल बढ़ा। फ्रॉम द ईयर 1995 ऑनवर्ड्स राइज ऑफ ई कॉमर्स अर्लियर नोन एज वेब कॉमर्स बिकेम मोर प्रोमिनेंट। तो देखो 1995 के बाद से ई कॉमर्स जो है एक तरीके से उसका राइज हुआ है, लेकिन 1995 के पहले या ई कॉमर्स टर्म पहले कर पढ़ने के पहले इसको जो है वेब कॉमर्स कहा जाता था, क्योंकि सारी चीजें वर्ल्ड वाइड वेब पे होती थी। बाद में इसका नाम चेंज करके ई कॉमर्स हो गया। दिस प्राइमरली हैपेंड ड्यू टू द ग्लोबल यूज एंड अडॉप्शन ऑफ इंटरनेट। अब ये क्यों हुआ, ये वो इसलिए हुआ क्योंकि पूरी दुनिया में जो है इंटरनेट फैल चुका था, लोग जो है इसका इस्तेमाल कर रहे थे, बहुत ही आसानी से वो सारे कामों को कर रहे थे, इसलिए उनको भी लाइक वो चीज ये करना चाह रहे थे, जिसके कारण से ये पूरी दुनिया में फैला और ये जो है एक तरीके से काम कर पाया। ठीक है ना, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन सेवरल रिटेल वेबसाइट्स हैड बीन प्लान्ड एंड लॉन्च्ड फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर इंटरनेट, है ना। तो ये पहली बार था 1995 के बाद, ये पहली बार हुआ कि जब बहुत सारी कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स को वेबसाइट्स के ऊपर एक तरीके से लॉन्च करना स्टार्ट किया, वेबसाइट के ऊपर सारी की सारी चीजें जो है शिफ्ट होने लगी, है ना। तो ये इंटरनेट का जमाना था उस टाइम पे। हाउएवर दिस वॉज नॉट ओनली टू बाउंस बैक इन द नेक्स्ट 5 years कंसिस्टेंट सक्सेस। इन द लेट 1990s 1991 द डॉट कॉम बबल वॉज बर्स्ट देयर आफ्टर। इसके बाद जो है डॉट कॉम स्टार्ट हुआ, आपने सुना होगा डॉट कॉम, उसका मतलब होता है कॉमर्स, है ना, डॉट कॉमर्स। तो एक तरीके से लोग जो है अपना वेबसाइट बनाने लगे और जो है इस्तेमाल करने लगे डॉट कॉम का, जो आपका होस्टिंग होता है, आई मीन जो डोमेन नेम होता है उस चीज का। बाय द ईयर 2005 द इंक्रीज ऑफ ऑनलाइन परचेजेस ऑन सर्टेन डेज बिकम सो मच दैट द टर्म साइबर मंडेज वॉज कॉइंड।
है ना, इतना ज्यादा लोग परचेस करने लगे थे ऑनलाइन सारी की सारी चीजें कि साइबर मंडेज नाम का जो है एक वर्ड जो है कॉइन किया गया 2005 में। बेस्ड ऑन द रिव्यू ऑफ लिटरेचर द इनिशियल माइलस्टोन इन ई कॉमर्स इवोल्यूशन आर डिटेल्ड हियर विद। तो जो पिक्चर अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सारी की सारी चीजें जो है स्टार्ट हुई है। तो 1991 में सबसे पहले होता है कि 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसको क्रिएट किया जाता है। 1994 में उसके बाद जो है जो नेटस्केप था उसने लॉन्च करा अपना नेविगेटर, और उसी नेविगेटर को बेस बना करके उसी नेविगेटर का इस्तेमाल करते हुए पिज्जा हट ने अपनी ऑनलाइन डिलीवरी जो है स्टार्ट करी। 1995 में ईबे का फाउंड किया गया और अमेजन मेक्स इट्स फर्स्ट सेल, अमेजन को पहली बार सेल करने का मौका मिला अपने प्रोडक्ट को 1995 में। 1996 में क्या होता है, ओवर 40 मिलियन पीपल हैव इंटरनेट एक्सेस, तकरीबन 1996 तक तकरीबन 4 करोड़ लोगों के पास जो है ऑनलाइन एक्सेस था। 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़, ठीक है ना, तो 40 मिलियन इज इक्वल टू 4 करोड़। इन ऑनलाइन सेल सरपासेस $1 बिलियन फॉर द ईयर, पहली बार 1996 में जो ऑनलाइन परचेजेस था या सेल्स था वो जो है $1 बिलियन के पार पहुंच गया। 1998 में देखो क्या होता है, 1998 में पेपैल इज फाउंडेड एंड चेंजेस द वे पीपल मेक पेमेंट्स ऑनलाइन, ठीक है ना। 1998 में पेपैल एक तरीके से लॉन्च किया गया बाय इलॉन मस्क, आपने इलॉन मस्क का नाम सुना होगा, उन्होंने पेपैल को लॉन्च करा 1998 में। उसके बाद से एक तरीके से रिवॉल्यूशन आ गया पूरे के पूरे मार्केट में, क्योंकि पहले के जमाने में लोग जो है पेमेंट करने के लिए ऑफलाइन में पेमेंट करते थे मोस्टली, ऑनलाइन में भी पेमेंट करते थे तो बहुत ही हैसल होता था उसमें। तो एक हैसल फ्री जो है पेमेंट गेटवे पेमेंट सिस्टम जो है पेपैल ने एक तरीके से प्रोवाइड करा, इलॉन मस्क ने प्रोवाइड करा। 2000 में रेवेन्यू फ्रॉम यूएस ऑनलाइन शॉपिंग टोटल ओवर $25 बिलियन, है ना। तो 2000 में जो शॉपिंग का जो ग्रॉस जो अमाउंट था वो रेवेन्यू जो था वो $25 बिलियन के पार पहुंच गया था 2000 साल में। आप सोचो यूएस कितना हमसे आगे था। 2001 में 70% ऑफ द इंटरनेट यूजर्स मेक एन ऑनलाइन परचेज ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन, 2001 में पहली बार देखा गया कि जो इंटरनेट यूजर्स थे उनमें से सपोज 100 लोग काम कर रहे हैं उसमें से 70 लोगों ने पहली बार ऑनलाइन परचेज करा, 70% लोगों ने, आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये। 2003 में एप्पल लॉन्चेस इस फर्स्ट मेजर डिजिटल म्यूजिक स्टोर, आपने आई स्टोर का नाम सुना होगा, आपने आई म्यूजिक का नाम सुना होगा, iTunes का नाम सुना होगा, सॉरी मुझे वो वर्ड ही दिमाग में नहीं आ रहा था। तो एप्पल ने लॉन्च करा 2003 में पहली बार iTunes, देखो लिखा भी iTunes, the first major digital music store, है ना। 2005 में क्या होता है, 2005 में साइबर मंडेज जो है वर्ड उसका इस्तेमाल होता है एंड बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग डेज ऑफ द ईयर, है ना। 2005 में पहली बार जो है साइबर मंडेज नाम जो है वो कॉइन होता है, और 2005 में जो मंडे हुआ करते थे उस साल या उसके बाद भी मंडेज को जो है बहुत ज्यादा सेलिंग होती थी और लोग जो है बहुत ज्यादा शॉपिंग करते थे। 2006 में फेसबुक बिगिंस सेलिंग एडवर्टाइजमेंट्स, 2006 में फेसबुक का निर्माण तो एक्चुअली पहले ही होता है, 2006 में जो है फेसबुक सेलिंग करना स्टार्ट करता है अपने एडवर्टीजमेंट्स को। जैसे कि आप सोचोगे कि फेसबुक पैसे कैसे कमाता है, तो फेसबुक के एड्स चलते हैं, फेसबुक जो है पैसे लेता है एडवर्टाइजर से और वो एड आपके वीडियोस पे चलाता है, जो भी वीडियोस आप देख रहे होते हो, है ना। तो इस तरीके से फेसबुक पैसे कमाता है, तो ये काम जो है फेसबुक ने 2006 में स्टार्ट करा था। उसके बाद 2008 में ऑनलाइन परचेसेस मेड ऑन मोबाइल फोन्स फॉर द फर्स्ट टाइम, 2008 में पहली बार हुआ कि ऑनलाइन परचेसेस को मोबाइल पे ला दिया गया। पहले लोग जो है ऑफलाइन किया करते थे या ऑनलाइन करते भी थे तो कंप्यूटर पे करते थे, लेकिन 2008 में पहली बार चीजें जो है ऑनलाइन होनी स्टार्ट हो गई। 2012 में अब देखो क्या होता है, ऑनलाइन B2C सेल्स सरपासेस 1 ट्रिलियन, 2012 में जो B2C सेल्स थी, ये B2C, B2B, C2C, C2A, ये सारी की सारी चीजें मैं किसी और टॉपिक में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि इसको कहते हैं टाइप्स ऑफ ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स के ना अलग अलग टाइप्स होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे किसी और पर्टिकुलर वीडियो में, जहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ टाइप्स के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज समझो कि यहाँ B2C की सिर्फ बात हो रही है, B2B, B2A, जो भी सारी चीजें हैं उसकी बारे में बात नहीं हो रही है। तो बिजनेस टू कस्टमर कंज्यूमर जो है उसमें उसका जो सेल है वो 1 ट्रिलियन क्रॉस कर गया था 2012 में। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है, राइट। तो 1994 से लेकर के 2012 तक की सारी चीजें आपको बताई गई हैं यहाँ पे। द ग्रोथ ऑफ सोशल मीडिया ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स हैज इयर्स टू इंश्योर दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द सेलर्स एंड द बायर्स इज मोर एंगेजिंग एंड मोर एक्सटेंसिव, है ना। तो जिस तरीके से सोशल मीडिया का एक तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ये देखा जा रहा है कि जो बायर और सेलर है उनके बीच में एक बहुत ही अच्छा एक रिलेशनशिप तैयार किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस सोशल मीडिया, है ना। तो इस बारे में आपसे बात की गई पूरी की पूरी ई-कॉमर्स की हिस्ट्री के बारे में।
थोड़ा सा और है कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, फिर हमारा टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। तो एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, देखो एट प्रेजेंट इन द ईयर 2021 आपको पता है कि हर जगह जो है पेंडेमिक फैला हुआ है। इंटरनेट एंड डिजिटल सर्विसेज सच एज स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स हैव एक्सपेंडेड द एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स टू इंक्लूड ग्लोबल बायर्स एंड सेलर्स, है ना। तो अभी के टाइम पे पूरी की पूरी दुनिया के जो बायर्स एंड सेलर्स है वो सबके सब जो है अभी ऑनलाइन हो गए हैं, फोन पे आ गए हैं। आप फोन पे सारी की सारी चीजें कर सकते हो, ऐसा कोई चीज नहीं जो आप फोन पे नहीं खरीद सकते, है ना। मोस्ट बिजनेसेस नाउ हैव ऑनलाइन प्रेजेंस एंड इंटेंसिफाइंग द प्राइस कॉम्पिटिशन। न्यूअर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैव बीन क्रिएटेड लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेट बिजनेस मॉडल्स फॉर कंडक्टिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, है ना। तो जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो ऑल्टरनेट तरीके होते हैं बिजनेस करने के, उन सारे के सारे चीजों को जो है ऑनलाइन अभी एक तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और लोग जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपनीज जो है उसका इस्तेमाल कर रही है। The structure and nature of business firms have also changed, है ना। तो structure था business firms का, उनका भी बहुत हद तक बदल गया है। Promotions and online advertisings have also been become direct and target at the buyer, है ना। पहले के टाइम पे देखो जो एडवर्टाइजमेंट होती थी वहां पे लोग जो है, जो लोग खरीदना चाहते हैं वो भी एडवर्टाइजमेंट देखते थे, जो नहीं खरीदना चाहते हैं वो भी देखते थे। बट अभी के टाइम पे एल्गोरिथम इतना स्ट्रांग हो गया है कि आप अगर गूगल पे लैपटॉप सर्च करो तो आप जब भी कोई नया वीडियो देखोगे या फिर जब भी आप किसी और वेबसाइट पे जाओगे तो आपको देखना लैपटॉप का ही ऐड दिखेगा। तो आप क्या गूगल पे सर्च कर रहे हो, आपका सर्च जो इंजन है वो क्या शो कर रहा है, वो सारी की सारी चीजें वो सारे के सारे वेबसाइट को भेज देता है। और जब भी आप कुछ और नया सर्च करने जाते हो, कुछ और मतलब देख रहे होते हो, तो अब आपको उनकी एड्स जो है आपके वीडियोस पे जो आप सर्च कर रहे हो उन्हीं सारी चीजों के एड या फिर अलग अलग चीजें जो है आपको दिखने लगती हैं। ये एक तरीके से जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो माइंड होता है उसमें एक तरीके से क्या बोलूं, उसको एक तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है कि आप हमारे प्रोडक्ट को खरीदो, क्योंकि बार बार अगर ऐड चलते रहेगा तो आप भी एक तरीके से यू नो आपको भी लगेगा चलो यार खरीद ही लेते हैं, है ना, भले ही आपने एक ही बार सर्च करा हो। तो इस तरीके से चीजें जो है अभी हो रही है। As a result of all these changes, there is a market transformation in the prevalent trade practices, trade techniques and standards have direct impact on the marketplace, है ना। तो direct impact पड़ता है हमारे trade technique standards का इन अभी के time में, है ना। Indeed, e-commerce brings out the possibility of better organized, better माफी चाहूंगा इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ जी। Okay, so better organized conduct of business which offers not only the replacement of existing business strategies but also the viability of complementary businesses models to the existing ones, है ना। तो जो e-commerce है वो एक तरीके से possibility create कर दिया है उसने कि आप जो है अपने business को you know replace कर सकते हो by going online, आपकी strategies आप यहाँ पे बदल सकते हो कभी भी कुछ भी, बहुत ही flexible हो गई हैं चीजें। साथ ही साथ जो अलग कुछ अलग कुछ अगर आप करना चाहते हो, कोई कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस करना चाह रहे हो अपने बिजनेस के साथ ही, तो वो भी अभी के टाइम पे पॉसिबल है, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो पॉसिबल हो पाई है सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स के कारण। अगला हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, जो कि हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमारा पूरा वीडियो था जहाँ पे मैंने आपको ई कॉमर्स और इवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स के बारे में बताया। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय, थैंक यू।